हेलो एवरी वन हाउ यू ऑल आई होप यूर डूइंग वेरी वेल अ वेरी हैप्पी होली टू एवरी वन दिस इज हियर करेंटली वर्किंग एज एन आर आर बी पी ओ एज यू नो सो माई डियर एस्पायरेंट्स इन अवर प्रीवियस सेशन वी हैव टॉक्ड अबाउट इट मल्टीपल टाइम्स अबाउट द मिस्टेक्स विच यू कैन डू ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम आपसे कौन कौन सी मिस्टेक हो सकती हैं जो कि आगे आपको अफेक्ट करेंगी लेकिन इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिस्टेक्स यू कैन डू इन योर रियल एग्जाम इन दो सिक्सटी मिनट्स ओके सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट एंड यू नीड नॉट डू दोस्टेक्स इन योर रियल एग्जाम टू गेन सक्सेस सक्सेस के लिए जो टिप्स होती है उसके बारे में तो हम बहुत डिस्कस करते हैं लेकिन वो क्या चीजें हैं जो आपको फेलियर तक ले जाएंगी फेलियर Fail, आखिर किन चीजों की वजह से होती है इसके बारे में इस सेशन में डिस्कस करेंगे एंड वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी टिप्स एनी स्ट्रेटेजी कि आपको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दो सिक्सटी मिनट्स हाउ यू नीट टू हैंडल दो सिक्सटी मिनट्स एंड यही चीजें जो मॉक में आप देखते हैं ना मॉक के टाइम पर भी आपको ये चीजों को अप्लाई करना है एंड फॉर दोस्पायरेंट्स हुआ गोइंग टू गिव योर आर बी आई असिस्टेंट एग्जामिनेशन उनके लिए मॉक टेस्ट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा जाकर आप टेस्ट जरूर दीजिएगा एंड दोज अस्पायरेंट्स हु आर नॉट टेकिंग दिस एग्जामिनेशन उनको भी ये लाइव मॉक टेस्ट देना है यहां पर आपको रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस मिलता है एंड यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेशनल रैंकिंग का

यू नीड नॉट स्टॉप एनी वेयर इन योर प्री एग्जामेशन यू लिटरली डोंट हैव द परमीशन यू के नॉट एफोर्ड टू स्टॉप एनी वेयर आपको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझना है जो लोग बिल्कुल न्यू है ना जो बिगनर्स हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि आपको इस पूरे सिक्सटी मिनट्स में रुकने का तो आपको परमीशन ही नहीं है यू के नॉट एफोर्ड इट सो इनकलकेट दट हैबिट राइट फ्रॉम द बिगनिंग कि आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में स्टक् नहीं होना है ठीक है आपको समझ लीजिए चार आपके सामने नंबर सीरीज़ है चार आपसे uh, चार आपसे बन गए हैं एंड फिफ्थ वाला आपसे नहीं बन रहा है तो आप क्या सोचते हैं कि नहीं हमको तो बिल्कुल परफेक्शनिस्ट बनना है तो इसको हमको बना के ही रखना है हम अपने ईगो पे ले, ले लेते हैं उस समय पर बट हमें वो काम नहीं करना है आपसे अगर फिफ्थ वाला नहीं बन रहा है आप आगे बढ़िए ठीक है क्योंकि हो सकता है ना थोड़ी सी उसकी डिफिकल्टी लेवल हाई होगी तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का वो नहीं भी बनेगा तो इसलिए ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें सब कुछ बनना ही चाहिए यू नीड टू अंडरस्टैंड वेर यू नीड टू स्किप ये भी एक पॉइंट है आपके लिए ओके सो द फर्स्ट थिंग इज यू नीड नॉट टू स्टक इन एनी क्वेश्चन कहीं भी आपको रुकना नहीं है जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन करने हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ फ्री में सिक्सटी मिनट्स होते हैं यही चीज आपको मेन्स के रिस्पेक्ट में मैं बता रही हूं कि आपको मेन्स में हड़बड़ाना नहीं है क्योंकि आपके पास इनफ टाइम होता है रीजनिंग में आपके पास अगर सिक्सटी मिनट्स हैं ठीक है आई नो जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो बहुत हाई रहता है तो इसलिए 15 मिनट्स में मतलब एकदम आराम से 15 मिनट्स में भी अगर आपका एक पजल कोई सॉल्व हो जा रहा है ना आंसर आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है बनना जरूरी है यहाँ पर ठीक है ऐसा यहाँ पर नहीं करना है इन इन माई स्टार्टिंग मेन्स एग्जामिनेशन सम ऑफ देम आई आई यूज टू डू लाइक दिस देखिए थ्री मिनट्स इस क्वेश्चन को बनाया नहीं बन रहा है वो प्री वाला एक हमारे अंदर रहता है ना वो छूट जाता है हमारे अंदर प्री का कि दो मिनट बनाया तीन मिनट बनाया नहीं बन रहा है देन हम लोग बहुत हड़बड़ा जाते हैं तुरंत इसको भी छोड़ देते हैं हमारा वो तीन मिनट वेस्ट हुआ ये क्वेश्चन भी नहीं बना नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे इस पर भी हमने थ्री मिनट्स दिया ये भी नहीं बना नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे इस पर भी हम देंगे हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो मेन्स के क्वेश्चन हैं वो इतनी आसानी से नहीं बनते हैं तो इस चीज़ को आप अभी से अपनी हैबिट बनाइए इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि अभी जब प्री के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं ना उसके साथ साथ अगर आप चार पजल सॉल्व कर रहे हैं प्री के तो एक पज़ल ज़रूर मेंस के सॉल्व करिएगा क्योंकि कि धीरे धीरे इससे क्या हैबिट हो जाएगी ना जब दो तीन चार महीने बाद आपके रियल में, में मेंस के एग्जामिनेशन होंगे तब तक आप इतनी एबिलिटी गेन कर चुके होंगे कि आपसे मेन्स के पसल्स भरे आराम से दस मिनट में बारह मिनट में लेकिन बन जाएंगे ये आपको गेन करना है ठीक है लोग ज़्यादातर क्या करते हैं मेंस के क्वेश्चंस अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करते हैं और जब मेंस के एग्जामिनेशन बचे रहते हैं दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन उतने में आप क्या ही कर लोगे इसलिए अभी से हमें करना है ताकि हम वो चीज़ को समझ सकें मेन्स के कभी भी मॉक टेस्ट वगैरह भी आप देंगे हड़बड़ाना नहीं है। आपको सिर्फ आप ये देखिए आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं नेक्स्ट थिंग हीयर कंप्यूटर अवेयरनेस करंट अफेयर्स इन सब चीज़ों में कभी भी आपको तुक्का नहीं मारना है ठीक है बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो पूरे के पूरे फोर्टी आउट ऑफ फोर्टी सॉल्व करके आते हैं लास्ट में उनके मार्क्स कितने आते हैं फाइव सिक्स क्यों क्योंकि ऐसा हुआ रहता है कि उनके अगर उन्होंने थर्टी फाइव अटैम्प्ट हैं उसमें से उनके ट्वेंटी पूरे रॉन्ग हो जा रहे हैं एंड ऑब्वियसली फिर नेगेटिव मार्किंग भी होगी तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है ठीक है मतलब मैंने तो बता रही हूँ आपको ऐसा भी एग्जाम था जैसे ये आई वी मैंने आपको बताया था कि मेरा मेन्स निकला है तो उसमें मैं मतलब आई वॉज नॉट इन द फ्लो ऑफ प्रिपरेशन ना आप तो जान रहे हैं मैं कभी आठ बजे वापस आ रही हूँ कभी नौ बजे वापस आ रही हूँ बैंक से तो बिल्कुल प्रिपरेशन तो मैंने की नहीं थी और करेंट अफेयर्स से हम जुड़े हुए नहीं रह पाते हैं इतना ज़्यादा इस समय पर तो क्या हुआ था कि मैंने जैसे तैसे भी जो भी पढ़ा होगा मैंने फोर्टी में से थर्टीन अटैम्प्ट किए थे ठीक है मार्क्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी फोर्टी में से थर्टीन अटैम्प्ट किए थे एंड मुश्किल से एक भी उसमें से गलत हुआ होगा या नहीं आई डोंट नो लेकिन बाकी सारा मैंने एनालाइज किया था क्वेश्चंस वगैरह मैंने चेक किए थे आकर तो मेरा कुछ भी उसमें से गलत नहीं है आपको जितना आता है ना आप उतना ही करिए कॉन्फिडेंटली करिए और एक्यूरेटली करिए जितना आता है आपको एटलीस्ट मेरा कट ऑफ निकल गया ना मेरी सक्सेस में मेरा जो एक फैक्टर सबसे ऊपर रहा है रीजन वो है एक्यूरेसी मैं हमेशा एक्यूरेसी मेंटेन करती हूँ मुझे दस बनेंगे मैं सिर्फ दस ही बनाऊँगी ठीक है तो ये आपको ध्यान देना है आपको कोई भी तुक्का वगैरह नहीं गैसेस वगैरह नहीं करने हैं एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रीजनिंग में रीजनिंग में जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट होता है कई लोग ना उसको बहुत लाइटली लेते हैं उसको सोचते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसा एक केस बेस्ड क्वेश्चन है ऐसा हमें करना चाहिए वैसा हमें नहीं करना चाहिए ऐसा सोच कर और उसको बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन लेकर सॉल्व करते हैं और वो दो दो मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग और ज़्यादा हो जाती है क्रिटिकल रीजनिंग अगर आपने अच्छे से पढ़ा है मैं इससे रिलेटेड एक पी भी आपको दे दूंगी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है क्रिटिकल रीजनिंग की तो इसी फ्री पी है इसी वीडियो के नीचे रहेगा तो अगर आपको अच्छे से आता है क्रिटिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन आपने की है तभी उसे सॉल्व करिए ज़्यादा अपना दिमाग लगा लगा के सिर्फ ऐसी गैसेस करके कि हाँ मैं उस जगह पे होता तो मैं क्या करता इस तरीके से आपको क्रिटिकल रीजनिंग को सॉल्व नहीं हो करना होता है थोड़ा उसके पीछे लॉजिक्स होते हैं ठीक है तो उसको उस तरीके से मत सॉल्व करिएगा बहुत मार्क्स कट जाते हैं ऐसे में ना आप कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाएंगे रीजनिंग का ये एक चीज़ हो गई अब हम आते हैं इंग्लिश में अब हम सेक्शन वाइज आते हैं इंग्लिश में हमें आर को पहले सॉल्व नहीं करना है सबसे पहले सॉल्व नहीं करना है क्वांट में हमें डी को सबसे पहले सॉल्व नहीं करना है और रीजनिंग में हमें पजल्स को सबसे पहले सॉल्व नहीं करना बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स इन विच नॉट एवरी इज द बेस्ट ओके सो थॉटफुली हमें ये सारी चीजें करना है एक बिल्कुल थॉटफुल प्रोसेस के साथ हमको अगर लगता है कि हम बेस्ट हैं पजल्स मुझसे तो बन ही जाते हैं प्री लेवल के पजल्स तब आप उससे भले स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश में जो वन वन मार्क्स वाले होते हैं फिलर्स वर्ड स्वैप हो गया मैच द कॉलम हो गया इनसे आप स्टार्ट करिए और फिर जब ये सारे हो जाए और इनको आपको जल्दी करना है ताकि आप फिर आर में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में दैट मीन्स एंड पैराजेंबल्स में टाइम दे सकें इसलिए ये सारे जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं ना वन वन मार्क्स वाले उसको आपको जल्दी सॉल्व करना है ठीक है ये आपको मॉक टेस्ट के साथ आएगा धीरे धीरे कि इनको आपको जल्दी सॉल्व करना है है टू मिनट्स में ताकि आपके आपके पूरे एकदम आराम से आपके जो है, दस मिनट बच जाए बारह मिनट बच जाए उसमें आप आराम से अपना आर सॉल्व करिए और पैरा सॉल्व करिए ठीक है क्वांट uh, में आपको क्या करना है आपको जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं लाइक फिफ्टीन मार्क्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन नंबर सीरीज़ वगैरह ये सारे इसको आपको ट्राई करना है इस सबको आपको सिक्स टू सेवन मिनट्स में करना है ठीक है और जो बाकी फिर बचेगा थर्टीन मिनट्स uh, उसमें आपको एरेथमेटिक और उस पर ध्यान देना है किस पे डीआई पे लेकिन याद रखिए डी आप बीच में करेंगे डी क्यों बीच में करेंगे क्योंकि कई बार हम एरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चन बीच में सॉल्व कर लेते हैं लास्ट के लिए डी को बचाते हैं एक डी बन गई दो डी बन गई अब हम तीसरे में समझ लीजिए हमसे बन भी रहा है ना तो फिर क्या होता है हमसे डी पूरी बन गई है लेकिन हम आंसर मार्क नहीं कर पाए हैं हमारा वो पूरा टाइम जिसमें हमने उस डी को सॉल्व किया वो भी वेस्ट गया और हम उसमें मार्क्स भी अटेन नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास लास्ट में टाइम ही नहीं बचा तो ये जो सिचुएशन होती है ना ये बहुत बार हो चुकी है एक्सपीरियंस से ही हम आपको बता रहे हैं डीआई को लास्ट के लिए मत रखा करिए लास्ट के लिए एरेथमेटिक को रखा करिए क्योंकि वो वन वन मार्क्स के होते हैं आपने क्वेश्चन पढ़ा उसी को सॉल्व किया तुरंत आंसर आ गया डीआई में क्या होता है हम पूरी डी को पहले सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन पे जाते हैं इसलिए डीआई को लास्ट में सॉल्व मत करिएगा एंड द सेम थिंग गोज फॉर पजल्स पजल्स को ना स्टार्टिंग में करिए ना लास्ट में करिए बीच के टाइम पे पजल्स को रखिए ठीक है तो ये सारी वो मिस्टेक्स हैं जो आप कर देते हैं एग्जाम्स के टाइम पर जो हमें रिपीट नहीं करनी है और इसका जो हमें प्रोसेस ये करना है ना ये हमें इसकी प्रोसेसिंग अपने मॉक टेस्ट में ही करनी है तभी तो हम रियल एग्जाम में कर पाएंगे सो माई डियर स्पेरेंट्स दैट वॉज ऑल फोटुडे सेशन आई होप इट हेल्प यू एंड इफ इट डेड देन काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड दैट वॉज ऑल फर टुडे दिस इ साइनिंग ऑफ सी ऑर नक्स्ट सेन टिल दिन स्टेट हैप्पी स्टे ब्लेस्ड कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग